इसे कहते हैं इस हाथ दे उस हाथ ले। एक तरफ खाते में रुपए खटाखट खटाखट तो दूसरी तरफ महंगाई का हंटर चला सटासट सटासट। कांग्रेस की गारंटी कर्नाटक के लोगों पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रही है। लोकसभा के नतीजे क्या आए, गारंटी का असली चेहरा भी लोगों के सामने आने लगा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने हाल ही में पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। लेकिन ये असल खबर नहीं है। खबर ये है कि पेट्रोल डीजल के बाद अगला नंबर बसों के किराए और पानी के बिल का है। सही सुना, कर्नाटक में बसों के किराए और कावेरी के पानी के दाम बढ़ने वाले हैं। और ये सब इसीलिए क्योंकि कांग्रेस की 5 गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है, खजाना खाली है। जमीन आवंटन को लेकर पैसे अटने की बात हो या फिर पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि, कावेरी पानी के दामों में वृद्धि हो या फिर बस भाड़ों में वृद्धि, बीजेपी का आरोप है कि सिद्धारमैया सरकार जहां जनता को एक हाथ से दे रही है तो दूसरे हाथ से ले भी रही है। जैसे कि बस भाड़ों की अगर बात करें तो महिलाओं को जहां फ्री बस दी जा रही है तो दूसरी ओर बस भाड़ों में वृद्धि कर लोगों से ये पैसे वापस लिए भी जा रहे हैं। कुछ इसी तरह का सिलसिला लगातार लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही देखने को मिल रहा है। सवाल यही है कि कहां तो किसानों की कर्ज माफी की बात कही जा रही थी और कहां डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। जाहिर है किसान परेशान है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से खरीफ फसलों की तैयारी कर रहे किसानों की चिंता बढ़ गई है। इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि कर्नाटक के लोग कांग्रेस सरकार के किए गए गारंटी के वादे का खामियाजा भुगत रहे हैं। असल में 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने 5 गारंटी दी थी। कांग्रेस ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर वो हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी, जिसे गृह ज्योति योजना कहा गया। गृह लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने का वादा किया गया। अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बोझ को दरकिनार करते अन्न भाग्य योजना के तहत हर परिवार को 10 किलो अनाज देने का वादा किया गया। राज्य के हर बेरोजगार को हर महीने 1,500 रुपए देने की बात कही गई और महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया गया। कांग्रेस ने इन वादों से बंपर बहुमत तो हासिल कर लिया, मगर इन वादों का असर अब राज्य के खजाने पर दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक तो ये योजनाएं चलती रहीं, लेकिन इनके चलते राज्य अब भीख का कटोरा पकड़ने को मजबूर नजर आ रहा है। लिहाजा जनता पर बोझ डालकर इसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। अभी तो वैसे ही हो रहा है ना, सभी तो बढ़ गया, सभी और कौन सा भी कम तो नहीं हुआ। अभी डीजल का दाम कम होता है सब बोला था, अभी कुछ सब बढ़ के ही है, तो वही हो रहा है, वो इफेक्टिव तो वही लग रहा है। साथ ही क्या आपको गारंटीज का कोई फायदा मिल रहा है? हमारे को कहा है, पूरा लेडीज को है, जेंट्स को तो नहीं है, लेडीज को तो ही मिल रहा है। अभी तो एक वो गृहलक्ष्मी वो कुछ किया था, वो सभी अभी कैंसिल हो रहा है ना, अभी कुछ कम हो सकता है या नहीं हो सकता तो वो देखना पड़ेगा। इलेक्शन का गिमिक था, सब वैसे ही लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 17 जून को एक मीटिंग में राज्य के सीएम सिद्धारमैया ने राज्य में बसों का किराया बढ़ाने पर चर्चा की। वहीं राज्य के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बस किराए में बढ़ोतरी को अपरिहार्य बताया। तर्क ये कि बस किराया साल 2015 से बढ़ाया नहीं गया है। खबर यह है कि बसों का किराया 25-30% बढ़ाया जा सकता है। जिन गारंटीज के दम पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाकर इसी गारंटी को लेकर अपनी पीठ थपथपाई, चुनाव खत्म होने के साथ ही फ्यूल प्राइसेस में बढ़ोतरी और उसके बाद कावेरी पानी में जिस तरह की बढ़ोतरी देखी जा रही है, बीजेपी का आरोप है कि एक तरफ जहां वो जनता को दे रही है तो दूसरे हाथ से वो जनता से ले भी रही है। अगर बस की भी बात करें तो यहां जहां महिलाओं को फ्री में सफर करने को मिल रहा है तो वहीं पुरुषों से बस के चार्जेस जो है वो बढ़ाकर पैसे लिए जा रहे हैं। तमाम मुद्दों को सामने रखते हुए बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की जो गारंटी है वो राज्य के कोष को खोखला कर रही है। साथ ही जिस तरह से लोकसभा चुनाव में क्योंकि कांग्रेस ने अपनी पीठ अपनी गारंटीज को लेकर थपथपाई और चुनाव खत्म होने के साथ ही जिस तरह से एक के बाद एक फैसलों से आम जनता की जेब जो है वो ढीली पड़ती दिखाई दे रही है, उसने अब कांग्रेस की इन तमाम नीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आप खुद सोचिए कि एक तरफ किसानों को राहत देने की बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। एक तरफ बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का गुणगान किया जा रहा है तो दूसरी तरफ पुरुषों से डबल किराया वसूलने की तैयारी है।
इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार अगर इस हाथ से दे रही है तो उस हाथ से ले भी रही है। राज्य सरकार ने लोगों को बाएं हाथ में दे रहे हैं और दाएं हाथ में ले रहे हैं, तो उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये बोलता है औरत लोगों को पैसे देते हैं, मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और बस में शक्ति योजना में वो मुफ्त में जा रहा है, मगर दूसरी साइड पर सबका कीमत बढ़ा रहे है, वो फैमिली के ऊपर वो भारी पड़ रहा है, इसीलिए एक गारंटी स्कीम कुछ फायदा नहीं हो रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का जल संकट बीते कई महीनों से सुर्खियां बना हुआ है। अब बेंगलुरु जल एक दशक के बाद पहली बार पानी की दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। डीके शिवकुमार ने कहा है कि पानी की कीमतें बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि दावे के मुताबिक बेंगलुरु का जल आपूर्ति विभाग अपना बिजली का बिल और कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दे पा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कावेरी नदी से पानी लेने वाले लोगों के लिए पानी की कीमत 40% बढ़ाए जाने की तैयारी है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव प्रचार में हर जगह महिलाओं के खाते में हर महीने 1,00,000 खटाखट देने की बात कर रहे थे, मगर सवाल यही है कि क्या जनता की जेब से पैसा निकालकर वही जनता को दिया जाएगा? क्या डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर पैसा वसूल किया जाएगा? क्या बस का किराया और पानी का बिल बढ़ाकर पैसा वसूल किया जाएगा? जनता पर बोझ लादकर गारंटी पूरी की जाएगी? बगैर सोचे बगैर जानने के पहले स्टेट रेवेन्यू का पोजीशन सिद्धरामैया जी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए 5 गारंटी अनाउंस किया। प्रोबेबली वो केंद्र नेतृत्व के दबाव में आकर किया या वो वॉलंटरली किया वो पता नहीं है, मगर ये गारंटी स्कीम राज्य का डेवलपमेंट को बहुत बाधा पड़ गया है, कुछ काम नहीं हो रहा है। एक साल में एक भी बड़ा योजना अनाउंस नहीं हुआ है, एक भी काम शुरू नहीं हुआ है, हम पीछे पीछे जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक की कुल आय 2,26,000 करोड़ रुपए है, उसका कुल खर्च 2,87,000 करोड़ रुपए है, यानी पहले से ही राजस्व घाटा करीब 60,000 करोड़ रुपए का है। अब कांग्रेस की चुनावी गारंटियां राज्य में बजट का एक बड़ा हिस्सा ले जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक 2023-24 में कर्नाटक में 5 चुनावी गारंटियों पर 39,825 करोड़ का खर्च किया गया था, जो 2024-25 में 52,000 करोड़ तक बढ़ गया। 5 गारंटियों से राज्य के करीब 5 करोड़ लोगों को फायदा जरूर मिल रहा है, लेकिन खजाने पर 36,000 करोड़ रुपए का भार भी पड़ रहा है, जिसकी मार आम आदमी पर ही थोपी जा रही है। विपक्ष का कहना है कि खजाने को भरने के लिए सरकार अब अलग अलग जगहों पर सरकारी जमीनें बेच रही है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए तमाम चुनावी वादों की बौछार तो कर देती हैं, लेकिन इसका सीधा बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि टैक्स पेयर के पैसों से बांटे जाने वाली फ्री बीज सरकार को दिवालियापन की ओर धकेल सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद देश भर की तमाम राजनीतिक पार्टियां मुफ्त योजनाएं या कहें फ्री बीज को बांटने में लगी रहती हैं। चुनावी राज्यों में इस तरह मुफ्त बांटने की योजनाएं आम बात है। विरोध करने वाले इन्हें फ्री बीज और रेवड़ी कल्चर कहते हैं, तो समर्थन करने वाले इन्हें कल्याणकारी योजनाएं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन, मुफ्त यातायात, मुफ्त गैस, नकद राशि, बेरोजगारों को भत्ता, वोटरों को लुभाने के लिए राजनेता और राजनीतिक दल वादों की बरसात करते हैं। हालांकि देखा यही गया है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है, राज्य सरकार का कर्जा बढ़ता है, लेकिन मुफ्त की गारंटी वाला झुंझुना थमता नहीं है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव को ही ले लीजिए। चुनाव में खटाखट स्कीम का वादा कर कांग्रेस 99 सीटों पर पहुंच गई, लेकिन देश की महिलाओं को 99 के फेर में फंसा दिया। राहुल गांधी ने 1,00,000 सालाना का वादा किया खटाखट, और नतीजों से पहले ही बैंक में खाता खुलवाने के लिए महिलाओं की लाइन लग गई। और जब कुछ हाथ नहीं लगा तो इन्हीं महिलाओं ने कहा कि हम तो ठगे गए फटाफट। राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में बहुत ही लाउड आवाज में गरीब महिलाओं को 1,00,000 सालाना देने का वादा किया। राहुल के इस वादे का असर भी दिखा। 2019 में 52 सीटों पर सिमटी कांग्रेस 2024 में 99 सीटों पर आ गई। कांग्रेस के वोट शेयर में करीब 2.5% का इजाफा हुआ। यूपी में कांग्रेस 1 सीट से 6 सीट पर पहुंच गई, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये रहा कि नतीजे आने के कई दिनों तक कई शहरों में कांग्रेस दफ्तरों के बाहर महिलाओं की कतार लगी रही। हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की एक लिस्ट बनेगी, उसमें आदिवासी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े वर्ग के होंगे, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, इन लोगों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों लोगों की लिस्ट होगी। ये वही लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया, गरीबी रेखा के नीचे डाला। इनकी लिस्ट बनेगी और हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। देश का गरीब वोटर कितनी आस और उम्मीद से भरा होता है, मंच से नेताओं की कही गई बातों को कितनी गंभीरता से लेता है। कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है, लेकिन सवाल फिर वही कि मुफ्त की गारंटी का वादा पूरा करने के लिए पैसा आएगा कहां से? जनता की जेब से ही। कर्नाटक में जो हो रहा है वो इसका ताजा उदाहरण है। सवाल ये भी है कि क्या फ्रीबीज और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं एक ही हैं? तो यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि आमतौर पर फ्रीबीज का ऐलान चुनाव से पहले किया जाता है, जबकि कल्याणकारी योजनाएं या फिर वेलफेयर स्कीम किसी भी समय लागू कर दी जाती हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.